हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ फाइनल अकाउंट। आज अपन फाइनल अकाउंटचं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करणार आहोत। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। सी क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रायर बैलेंस प्रीपेड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, सो हियर ट्रायल बैलेंस इज गिवन टू यू एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रायल बैलेंस यू हैव टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। इट मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको यहाँ पे क्या क्या तैयार करना है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सी ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है। हम लोगों ने ये सीखा है कि ट्रायल बैलेंस किस तरह से तैयार होता है। जो हम लेजर तैयार करते हैं, लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हम ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं और वहां से हमारा ट्रायल बैलेंस रेडी होता है। और मैंने आपको कहा था ट्रायल बैलेंस के दो साइड से, एक है डेबिट साइड और दूसरा है क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस के कितनी साइड असणार आहे? दोन, डेबिट आणि क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस जे डेबिट साइड असतं त्या ठिकाणी काय काय असतं? डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस देर आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देर आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड असेट्स। बघा, म्हणजे ट्रायल बॅलन्सच्या डेबिट साइडला जे काय तुम्हाला अकाउंट दिलेले आहेत ते काय काय असू शकतात? डायरेक्ट एक्सपेन्सेस असू शकतात, इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस असू शकतात किंवा असेट्स। इसका मतलब जो डेबिट साइड दिया जाता है उस डेबिट साइड में इनकम या लायबिलिटी नहीं रहता है। याद रखना है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में क्या क्या रहेगा? एक तो एक्सपेंसेस रहेंगे या तो असेट्स। डेबिट साइड में कभी भी आपको इनकम या लायबिलिटी नहीं रहेगी, ये हमें याद रखना है। नाउ एट क्रेडिट साइड, ट्रायल बैलेंस जे क्रेडिट साइड आहे त्या क्रेडिट साइडला काय काय दिलेलं असतं? ऑन क्रेडिट साइड देयर मे बी द डायरेक्ट इनकम, क्रेडिट साइड में क्या हो सकता है? डायरेक्ट इनकम और मे बी द इनडायरेक्ट इनकम और मे बी द लायबिलिटीज, मे बी द लायबिलिटीज। ओके, तो देखो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में क्या क्या हो सकता है? डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम और लायबिलिटी। एंड डेबिट में क्या क्या हो सकता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और असेट्स। तो यहाँ पे जो भी दिया गया है वो एक तो डायरेक्ट इनकम हो सकता है, इनडायरेक्ट इनकम हो सकता है या तो लायबिलिटी हो सकती है। आणि जे काही तुम्हाला डेबिटला दिलं आहे ते काय काय असू शकतं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और असेट्स। ओके, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अभी हमें क्या करना है? तीन अकाउंट तैयार करने हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सेकंड इज एंड नेक्स्ट इज बैलेंस शीट। हमें तीन अकाउंट तैयार करने हैं। पढ़ते समय क्या करना है? हमें देखना है कि इसमें दिया गया जो भी अकाउंट है वो तो कहाँ पे ट्रांसफर होगा। मुझे आपका ट्रायल बैलेंस में जो अकाउंट दिलेला है ते कोणत्या अकाउंट मध्ये ट्रान्सफर होणार? म्हणजे ते ट्रेडिंग अकाउंटला जाणार, प्रॉफिट अँड लॉस ला जाणार का बॅलन्स शीटला जाणार, ते आपल्याला बघायचं आहे। ओके, तो सुरुवात करते हैं मशीनरी। अभी मशीनरी, अभी हम क्या देख रहे हैं? ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड। अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड है तो वहां पर तीन पॉसिबिलिटीज है। एक तो वो डायरेक्ट इनकम हो सकता है, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है, या तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है या तो वो असेट हो सकता है। ओके, अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है
इसमें भेजोगे ट्रेडिंग अकाउंट, अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो उसको भेजेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर वो असेट है तो उसको भेजेंगे हम बैलेंस शीट। बोला क्या ठिकाने जर डायरेक्ट एक्सपेंसेस असेल तर त्याला कुठे रेकॉर्ड करायचं, ट्रेडिंग अकाउंट मध्ये पाठवून द्यायचं डेबिट साइडला। जर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस असेल तर कुठे पाठवून द्यायचं, प्रॉफिट एंड लॉस ला, आणि जर असेट्स असेल तर कुठे पाठवून द्यायचं, बैलेंस शीट असेट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। म्हणजेच काय, तुम्हाला हे माहिती पाहिजे की इथे जे अकाउंट दिलेले आहे ते डायरेक्ट एक्सपेंसेस आहे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आहे का असेट्स आहे, हे आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो फाइनल अकाउंट एकदम ही सिंपल है। अभी देखो क्या करना है, यहाँ पे पहला दिया है मशीनरी, अभी मशीनरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है या असेट्स है, तो मशीनरी क्या है असेट, अगर वो असेट है तो कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट असेट्स है, तो मैं यहाँ पे सीट लिखता हूँ बीएस, क्या लिखता हूँ बीएस मतलब बैलेंस शीट, या तो सिर्फ आप ए भी लिखे हो तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ए लिखा तो भी चलेगा। सेकंड दिया है कैश, सेकंड क्या दिया है कैश, आता कैश के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है का असेट है, तर कैश पण काय आहे तुमचं असेट्स आहे, म्हणजे कुठे पाठवणार तुम्ही बैलेंस शीट, मग त्याला तुम्ही ए लिहिलं तरी चालेल आणि बी एस लिहिलं तरी चालेल, आपण आता इथे ए लिहू बरोबर, ए लिहिलं तरी कुछ भी लिखो, आप बी एस लिखते हो तो भी चलेगा, ए लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ हमें समझना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओपनिंग स्टॉक, ओके, एक्चुअल में अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक हमारा क्या होता है असेट, लेकिन लेकिन जब आपको ओपनिंग स्टॉक अगर दिया गया है देन ओपनिंग स्टॉक टू बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। हम लोगों ने कल भी फॉर्मेट में देखा था कि जो ओपनिंग स्टॉक दिया जाता है वो कहां पे रिकॉर्ड करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, याद रखो ओपनिंग स्टॉक टू बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टी आर, मतलब हो जाएगा ट्रेडिंग। परचेसेस, अभी परचेसेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, हम लोगों ने देखा है कुछ दिन, क्योंकि गुड्स परचेस करने से या गुड्स परचेस करने से रिलेटेड या प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ भी खर्चा रहेगा, दैट इज टू बी कंसीडर एज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो परचेसेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो कहां पे रिकॉर्ड करोगे, ट्रेडिंग, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टी आर। अच्छा वेजेस, वेजेस पर क्या है अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बिकॉज वेजेस आर गिवन टू वर्कर्स एंड वर्कर्स आर दोज हु वर्क इन फैक्ट्री, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रोडक्शन, म्हणजे जे फॅक्टरी मध्ये प्रोडक्शनचं काम करतात ते जी लोक असतात वर्कर असतात त्यांना वेजेस दिलं जातं, म्हणजे वेजेस ही प्रोडक्शनशी रिलेटेड आहे, अँड देन फॉर वेजेस इज डायरेक्ट एक्सपेन्सेस। सो वेजेस टू बी रेकॉर्डेड अंडर ट्रेडिंग अकाउंट, अंडर ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट इज सैलरी, सैलरी इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बिकॉज सैलरी इज पेड टू ऑफिस स्टाफ, वो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो ऑफिस स्टाफ को दिया जाता है, सैलरी मतलब पगार जो ऑफिस स्टाफ को दिया जाता है, और इसीलिए सैलरी कहां पे रिकॉर्ड करना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है एंड देयरफॉर टू बी रिकॉर्डेड अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज ऑल्सो एक्सपेंसेस, मग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हे फॅक्टरी से रिलेटेड आहे का ऑफिस से रिलेटेड आहे, ऑफिस से रिलेटेड आहे, कारण की प्रिंटिंग आणि स्टेशनरी त्याचा जो काही एक्सपेन्सेस आहे दॅट एक्सपेन्सेस इज रिलेटेड विथ ऑफिस वर्क, अँड एक्सपेन्सेस रिलेटेड विथ ऑफिस वर्क इज कन्सिडर्ड एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस, अँड देअरफॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू बी रेकॉर्डेड अंडर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देयर रेंट, अभी रेंट के बारे में क्या है ध्यान देना है, रेंट यहाँ पे आपको डेबिट साइड में दिया है, रेंट पेड या रेंट रिसीव ऐसा नहीं लिखा, लेकिन याद रखो डेबिट दिया मतलब वो तो एक्सपेंसेस हो सकता है या तो असेट, लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ रेंट दिया है तो आप इनकम मानोगे या एक्सपेंसेस मानोगे, एक्सपेंसेस बिकॉज हियर रेंट इज गिवन एट डेबिट साइड, या ठिकाणी तुम्हाला रेंट कोणत्या बाजूला दिलेला आहे डेबिटला दिलेला आहे, ट्रायल बॅलन्सच्या डेबिटला दिलेला आहे म्हणजेच ते काय असणार आहे एक्सपेन्सेस। ओके, अगर वही रेंट अगर क्रेडिट में दिया होगा तो उसको हम मानते इनकम मतलब रेंट रिसीव, अगर रेंट डेबिट में दिया है मतलब रेंट पेड है, क्योंकि डेबिट में क्या क्या हो सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो असेट, लेकिन रेंट तो असेट नहीं है, रेंट हमारा एक्सपेंसेस है। अभी सवाल आता है कि रेंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, सिर्फ रेंट बोला है, अगर कुछ मेंशन नहीं किया और सिर्फ रेंट बोला है देन यू हैव टू कंसीडर दैट, आपको ये अज्यूम करना है कि रेंट इज रिलेटेड विद ऑफिस, आपको ऐसा अज्यूम करना है कि ये जो रेंट है वो ऑफिस का रेंट है। कभी कभी आपको फैक्ट्री रेंट दिया जा सकता है, अगर फैक्ट्री का रेंट दिया तो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन अगर सिर्फ रेंट दिया गया तो वो ऑफिस का रेंट है ऐसा हम अज्यूम करेंगे। आले लक्षात, म्हणजे नुसतं जर फक्त रेंट दिलं असेल तर ते ऑफिसचं रेंट आहे असं आपण अज्यूम करणार, असं आपण कन्सिडर करणार, मग ऑफिसचं रेंट म्हणजे कशामध्ये ना इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस अँड देअरफोर टू बी रेकॉर्डेड अंडर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस। अगर आप यहाँ पे सिर्फ पीटी लिखते हो तो भी चलेगा, ट्रेडिंग के लिए सिर्फ टी लिखते हो तो भी चलेगा, असेट के लिए सिर्फ ए लिखते हो तो भी चलेगा। कमीशन, सिमिलरली जैसे रेंट पेड भी हो सकता है रिसीव भी हो सकता है, उसी तरह से कमीशन हमें मिल भी सकता है या हम दे भी सकते हैं, बरोबर, म्हणजे कमीशन पण दोन्ही बाजूला असू शकतं, जर कमीशन डेबिटला दिलं असेल म्हणजे कमीशन पेड, कारण की डेबिटला दिले म्हणजे काय असणार आहे एक्सपेन्सेस, आणि जर हेच कमिशन समजा क्रेडिटला दिलं असतं तर आपण त्याला काय कन्सिडर केलं असतं कमिशन रिसीव। सी, कमिशन किसको दिया जाता है, सेल्समन को दिया जाता है, तो कमिशन हे सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेन्सेस है, कमिशन इज नॉट रिलेटेड विथ प्रोडक्शन, कमिशन हे प्रोडक्शन शी रिलेटेड नाही, तर ते कशाशी रिलेटेड आहे सेलिंग ऑफ गुड्स, एंड एक्सपेन्सेस रिलेटेड टू सेलिंग ऑफ गुड्स दिस टू बी कन्सिडर एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस, आणि म्हणून कमिशन काय समजायचं आहे तुम्हाला इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस, तो कमिशन को हम समजेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस बिकॉज कमिशन इज रिलेटेड विथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, तो अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस है तो कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहां पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। बैंक, बैंक इंडिकेट अमाउंट, अमाउंट अवेलेबल इन अवर बैंक अकाउंट, यहां पे बैंक दिया है 9000, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बैंक में अकाउंट है उसमें 9000 रुपया बाकी है, जमा है, तो बैंक में जो भी पैसा जमा है वो हमारा असेट है, म्हणजे हे बँक कशामध्ये रेकॉर्ड करणार तुम्ही बॅलन्स शीट, म्हणजे कुठे रेकॉर्ड करणार असेट मध्ये। गुडविल, गुडविल इज अवर असेट, डेटर, डेटर इज ऑल्सो असेट, डेटरचा अर्थ काय होतो ज्या व्यक्तीकडनं आपल्याला पैसे घ्यायचे आहेत त्याला आपण काय म्हणतो डेटर, ज्याच्याकडनं आपल्याला पैसे मिळणार त्याला आपण डेटर म्हणतो आणि ते आपलं काय आहे असेट। बॅड डेट, बॅड डेट इज अवर लॉस, बॅड डेट इज अवर लॉस, एंड बॅड डेट इज अ इनडायरेक्ट लॉस, यहाँ पे एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट लॉसेस भी आते हैं। ओके, तो बैड डेट हमारा इनडायरेक्ट लॉस है और इनडायरेक्ट लॉस होने के कारण कहां पे रिकॉर्ड करोगे प्रॉफिट एंड लॉस, बैड डेट ला काय कंसीडर केलं जातं इनडायरेक्ट लॉस, आणि
लॉस अकाउंट, बिकॉज बैड डेट इज कंसीडर एज अ लॉस रिलेटेड विद सेलिंग ऑफ गुड्स. नेक्स्ट इज फर्नीचर. फर्नीचर इज ओवर असेट. फर्नीचर इज ओवर असेट. एंड इंश्योरेंस. इंश्योरेंस इज टू बी कंसीडर एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इंश्योरेंस को क्या समझ लेना है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो वो आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, जब अच्छा प्रकार है आप पर आगे बाय करूंगी की मार्किंग के लिए फैक्ट्री मार्किंग की कौन सा आइटम मुझे कौन सा अकाउंट कोणत्या अकाउंट मध्ये ट्रांसफर करायचं, ट्रेडिंग मध्ये काय जाणार, प्रॉफिट अँड लॉस मध्ये काय जाणार आणि बॅलन्स शीट मध्ये काय जाणार, हे आपण आधी मार्किंग करून घेतली डेबिट साइड. तो हमारा यहाँ पे डेबिट साइड का मार्किंग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. अभी हम आते हैं क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड में क्या क्या हो सकता है? क्रेडिट साइड में तीन पॉसिबिलिटीज है. वो एक तो डायरेक्ट इनकम हो सकता है, या तो इनडायरेक्ट इनकम हो सकता है, या तो वो हो सकता है लायबिलिटी. ओके, तीन पॉसिबिलिटीज है. अगर वो डायरेक्ट इनकम है तो उसको बिल दो ट्रेडिंग अकाउंट, अगर वो इनडायरेक्ट इनकम है तो उसको बिल दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर वो लायबिलिटी है तो जाएगा आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. हेलो सर, आता आपण कोणती साइड बघणार आहोत? ट्रायल बैलेंस ची क्रेडिट साइड. आणि ट्रायल बैलेंस च्या क्रेडिट साइड ला तीन पॉसिबिलिटीज आहेत. कोणकोणत्या? एक तर डायरेक्ट इनकम असेल, डायरेक्ट इनकम असेल तर ट्रेडिंग अकाउंट ला जाईल, इनडायरेक्ट इनकम असेल, इनडायरेक्ट इनकम असेल तर त्याला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट ला, आणि जर लायबिलिटी असेल तर कुठे जाणार, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. ओके, तो चलो ट्रेडिंग अकाउंट देखते है. सॉरी, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड. फर्स्ट इज गिवन कैपिटल. कैपिटल इज योर लायबिलिटी. कैपिटल इज योर लायबिलिटी. तो उसको मैं सिर्फ एल लिखता हूँ. एल मतलब लायबिलिटी. डायरेक्टली लायबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे. आप चाहे तो बीएस भी लिख सकते हो. बैलेंस शीट असं लिहिलं तरी चालेल, परंतु एल जास्त चांगलं वाटेल म्हणून आपण एल लिहू. सेल्स. सी, सेल्स इज अवर डायरेक्ट इनकम. सेल्स हमारा क्या है? डायरेक्ट इनकम. एक ही इनकम डायरेक्ट इनकम है और वो है सेल्स. और सेल्स डायरेक्ट इनकम होने के कारण कहां पर रिकॉर्ड करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट. तो ये आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट. नेक्स्ट इज अ परचेस रिटर्न. आता बघा, परचेस रिटर्न. परचेस रिटर्न तुमचं डायरेक्ट इनकम नाही, परचेस रिटर्न तुमचं इनडायरेक्ट इनकम नाही, किंवा परचेस रिटर्न तुमची लायबिलिटी पण नाही. अभी आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला कि अगर वो क्रेडिट है तो एक तो डायरेक्ट इनकम हो सकता है, इनडायरेक्ट इनकम हो सकता है, या तो लायबिलिटी. लेकिन परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न, कभी कभी डेबिट में आपको सेल्स रिटर्न दिया जा सकता है, ये दोनों ना तो इनकम है ना तो एक्सपेंसेस. ये सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है कि जो गुड्स परचेस किया था वो रिटर्न आ गया तो उसका रिवर्स एंट्री करना पड़ता है. और रिवर्स एंट्री करने के लिए ये परचेसेस हम यहाँ पे बताते हैं डेबिट साइड, तो परचेस रिटर्न कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड. मतलब वो ऑटोमेटिकली 3000 यहाँ पे वो परचेसेस 8000 है, परचेस रिटर्न 3000, तो ऑटोमेटिकली 3000 वहां से माइनस हो जाएंगे डेबिट में से. ओके, तो परचेस रिटर्न हम यहाँ पे बताते हैं, लेकिन परचेस रिटर्न ना तो डायरेक्ट इनकम है, ना ही इनडायरेक्ट इनकम है, ना ही हमारी लायबिलिटी. तो परचेस रिटर्न क्या करना है? परचेस रिटर्न टू बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेसेस. जे आपण इथे परचेसेस आहे ना, त्या परचेसेस मधन परचेस रिटर्न काय करायचं आहे? मायनस. म्हणून परचेस रिटर्न फक्त मी मायनस सांगितलं, बाकी मी काही नाही. इंटरेस्ट. आता इंटरेस्ट बघा, इंटरेस्ट दोन्ही बाजूला असू शकतं, डेबिटला पण असू शकतं आणि क्रेडिटला पण असू शकतं. डेबिटला असलं म्हणजे इंटरेस्ट पेड, आणि क्रेडिटला आहे म्हणजे इंटरेस्ट रिसिव्ह, म्हणजे आपल्याला इंटरेस्ट मिळाला. कारण की क्रेडिटला आहे. आता क्रेडिटला आहे म्हणजे काय असू शकतं? डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम और लायबिलिटी. पण मैंने आपको बोला आहे की एक ही इनकम डायरेक्ट इनकम आहे. कोणता? वो है आपका सेल्स. और बाकी के सभी इनकम इनडायरेक्ट इनकम.
और इसीलिए इंटरेस्ट कहां पे रिकॉर्ड करोगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इज योर लायबिलिटी। क्रेडिटर क्या है जी? लायबिलिटी। आरडीडी, आरडीडी स्टैंड फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। ये एक्चुअल में आपका लायबिलिटी है, ये एक्चुअल मध्ये काय आहे तुमची लायबिलिटी, परंतु त्याची ऍडजस्टमेंट असणार आहे। ओके, म्हणजे आरडीडी ची आपल्याला ऍडजस्टमेंट असणार आहे, ती आपण ऍडजस्टमेंट लिहिणार आहे। आरडीडी ला मी स्टार मार्क करू शकतो, इसको मैं स्टार मार्क करके रखता हूं, उसका एक एडजस्टमेंट बनेगा। नेक्स्ट है बैंक लोन। बैंक लोन इज योर लायबिलिटी, बैंक लोन आपका क्या है? लायबिलिटी। अंडरस्टैंड, म्हणजे अशा प्रकारे आधी आपण जेवढे आयटम्स दिलेले आहेत ट्रायल बॅलन्स मध्ये त्याला मार्किंग करून घेतली। मार्किंग केली म्हणजे काय? ट्रेडिंग मध्ये कोणतं जाणार, प्रॉफिट अँड लॉस मध्ये कोणतं जाणार आणि बॅलन्स शीट मध्ये कोणतं जाणार त्याची मार्किंग करून घेतली। और हमें ये एक बात याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट में क्या क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नाइदर असेट। और क्रेडिट में क्या क्या होता? डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, नाइदर लायबिलिटी। ओके, तो आता अपन मार्किंग के लिए आता अपन बढ़ना रहा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसे कहा जाता है एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस खाली काही एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिली जाते, म्हणजे ही जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आहे ती आपण लेजर मध्ये रेकॉर्ड केलेली नसते आणि म्हणून ती एडिशनल म्हणून दिली जाते। ओके, मतलब इसका ना तो जर्नल एंट्री हुआ है ना ही इसका एंट्री लेजर में हुआ है, और इसीलिए ऐसी कुछ चीजें रहती है जो हम ट्रायल बैलेंस के नीचे बताते हैं उसे कहा जाता है एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट की इफेक्ट क्या है वो भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे। अभी हम देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर वन। मगर कैसे मिलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड रूपीज 30,000 ऑन 31 मार्च 2020। म्हणजे क्लोजिंग स्टॉक ची वैल्यू किती दिलेली आहे? 30,000। आता हे जे क्लोजिंग स्टॉक आहे त्याचे दोन इफेक्ट येतात। एक, यू हॅव टू रेकॉर्ड क्लोजिंग स्टॉक ऍट क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, अँड सेकंड इफेक्ट असेट साइड ऑफ बॅलन्स शीट। बरोबर, मग हा जो क्लोजिंग स्टॉक आहे, क्लोजिंग स्टॉकची जी ऍडजस्टमेंट आहे ते आपण सर्वात शेवटी करणार आहोत, त्याला मी मार्क टिक मार्क करून ठेवतो, म्हणजे मी ती शेवटी करणार आहे। सेकंड बघा, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 10%। सेकंड में आपको बोला है कि मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करो 10% पर एनम। पर एनम मीन्स पर ईयर, म्हणजे प्रत्येक वर्षासाठी 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करा। कशावर सांगितलेलं आहे? मशीनरी। ओके, तो मशीनरी मतलब असेट है, तो असेट आपको डेबिट साइड में मिलेगा। तो देखो मशीनरी है यहाँ पे कितने नंबर का एडजस्टमेंट है? दो। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मशीनरी है यहाँ पे हम लोगों ने बी एस लिखा है उसको मैं हटा के ए लिखता हूँ, मतलब असे, और वहां पे लिखूंगा से, मतलब मुझे पता चलेगा कि मशीनरी के ऊपर दो नंबर का एडजस्टमेंट है। अगर अच्छा म्हणजे अशा प्रकारे आपण जर नंबर दिलं तर आपल्याला सॉल्व करताना पटकन लक्षात येतं की जी मशीनरी आहे त्या मशीनरीला दोन नंबरची काय आहे? ऍडजस्टमेंट आहे। प्रीपेड रेंट, देखो अभी आपको क्या बोला है, प्रीपेड रेंट रूपीज 1,000 रेंट बोला है ना, तो चलो यहाँ पे देखो रेंट दिया गया है आपको, रेंट के लिए एडजस्टमेंट नंबर कितना बोला है? 3। तो ये जो रेंट है वहां पे मैं लिखता हूँ 3 नंबर। अच्छा, मुझे ये 3 नंबर दिए गए कि एडजस्टमेंट प्रीपेड रेंट रूपीज 1,000 जो रेंट आहे त्या रेंटच्या पुढे मी किती दिलं? 3 नंबर। म्हणजे माझ्या लक्षात येणार सॉल्व करताना की जे रेंट आहे त्या रेंट साठी ऍडजस्टमेंट आहे। 4 नंबर का ऍडजस्टमेंट बघू, आउटस्टँडिंग वेजेस रुपीज 2,000। अभी आपको आउटस्टँडिंग वेजेस बोला है तो वेजेस को ढूंढना है, यहाँ पे वेजेस दिया गया है 2,000 एडजस्टमेंट नंबर 4, तो वेजेस के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे 4 एडजस्टमेंट नंबर 4। एंड लास्ट
provided already on debtor at the rate 5% per annum. Debtor के ऊपर already बोला, किसके ऊपर बोला है? Already debtor के ऊपर. Already means कि debtor क्या बोलते हैं? संख्या की जाती है. बरोबर. मुझे marking में सॉल्व करना है debtor सेट. मैं बोला क्या निकालें? Debtor दिया है. Debtor adjustment number 5. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5. ओके. तो इस तरह से हम लोगों ने जितने भी एडजस्टमेंट दिए गए थे उन सारे एडजस्टमेंट का मार्किंग कर लिया. हेलो सर, अपन आता मार्किंग देखने के लिए. आता मार्किंग के लिए नंतर नेक्स्ट काय करायचे आपल्याला? आता आपण जे आपण अकाउंट तयार करणार आहोत, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि बॅलन्स शीट, त्यामध्ये त्याची एंट्री करणार. देखो एंट्री किस तरह से की जाएगी. देखो यहां पे अकाउंट में तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. यहां पे जो पहला पार्ट है वो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट और यहां से कौन सा पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आप चाहे तो अलग अलग भी बना सकते हैं या इस तरह से कंबाइन भी बना सकते. एकत्र बनवलं तरी चालतं, वेगवेगळं बनवलं तरी चालतं. हे झालं तुमचं ट्रेडिंग अकाउंट पहिला पार्ट आणि हा जो पार्ट आहे तो तुमचा झाला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट फॉर द इयर एंडेड 31 मार्च 2020. यहाँ पे आपको 31 मार्च 2020 दिया है तो यहाँ पे क्या है? 31 मार्च 2020. कॉलम पर्टिक्युलर अमाउंट अमाउंट पर्टिक्युलर अमाउंट 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 से किती कॉलम म्हटलेले आहे? दोन. जो पहिला कॉलम आहे त्याला म्हटलं जातं इनर कॉलम ऑफ अमाउंट अँड सेकंड कॉलम जो आहे त्याला म्हटलं जाईल आउटर कॉलम. इनर कॉलम आउटर कॉलम इनर कॉलम आउटर कॉलम. ओके. और यहाँ पे हम लोगों को लिखा है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020. उसके कॉलम है लायबिलिटीज अमाउंट अमाउंट असेट्स अमाउंट अमाउंट. आता या ठिकाणी बघा, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको लिखा है फॉर द इयर एंडेड 31 मार्च 2020, लेकिन इसको क्या लिखा है? एज ऑन 31 मार्च 2020. तो यहाँ पे फॉर द इयर एंडेड क्यों लिखा जाता है और यहाँ पे एज ऑन क्यों लिखा जाता है? जब हम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा. चलो हम सॉल्व करते हैं. पहला दिया है मशीनरी. मशीनरी कहाँ पे रिकॉर्ड करना है? असेट. लेकिन इसके ऊपर एडजस्टमेंट है दो नंबर का. बराबर है. क्या बोला है? चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम. तो मशीनरी आपको असेट में रिकॉर्ड करना है तो पहले हम असेट के रिकॉर्ड करते हैं मशीनरी. अमाउंट इज 20,000. तो यहाँ पे हम अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे 20,000. अब ये 20,000 इनर कॉलम में क्यों लिखे हैं? क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है. एडजस्टमेंट समझ लिया कि नहीं? तीन नंबर की दो नंबर के एडजस्टमेंट समझ लिया है. मतलब अगर एडजस्टमेंट असेल तर त्या आयटमची अमाउंट कुठे लिहायची? इनर कॉलम मध्ये लिहायची. और क्या बोला है आपको? डेप्रिसिएशन कितना परसेंट? 10%. डेप्रिसिएशन क्या करना है? माइनस. डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट. इसका मतलब मशीनरी का वैल्यू 10% से कम हुआ. वैल्यू कम हुआ तो हम माइनस करेंगे इस तरह से लेस. लेस 10% डेप्रिसिएशन. 10% डेप्रिसिएशन. यहाँ पे कैलकुलेशन बताएंगे 20,000 × 10/100. 20,000 का 10% कितना आएगा? 2,000. आता हे माइनस करायचे आहे. माइनस करायचे आहे म्हणून जे 2,000 आहे ते मी ब्रॅकेट मध्ये लिहिले. ओके. तो अमाउंट अगर माइनस करना है तो उसको ब्रैकेट में लिखो. तो क्या होगा? 20,000 माइनस 2,000
तो मशीनरी का वैल्यू कितना बचेगा 18,000। इसका मतलब क्या हुआ, मशीनरी का वैल्यू 20,000 था अकाउंटिंग ईयर जब स्टार्ट हुआ तब 1 अप्रैल को, है ना सर। मुझे 1 अप्रैल का मशीनरी वैल्यू कितनी होती 20,000, वर्ष भर की अपन वापर ली आणि म्हणून 31 मार्च 2020 ला त्याची वैल्यू आता किती झाली 18,000। इसका मतलब मशीनरी का वैल्यू 2000 से क्या हुआ, कम हुआ। अभी मशीनरी का वैल्यू 2000 से कम हुआ, ये हमारे लिए फायदा है या नुकसान है? नुकसान है, और इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट लॉस। तो इनडायरेक्ट लॉस मतलब दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट से, बिकॉज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू बी रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इथे मी एक दोन बॅलन्स भरून देतो आणि ते लिहितो 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। देखो मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना है 2000, तो यहां पे अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में 2000। ओके, तो डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट आते हैं। एक पहला इफेक्ट, जो भी असेट है उस असेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करो। सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड करो। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्यों? बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अवर इनडायरेक्ट लॉस, एंड इनडायरेक्ट लॉस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू बी रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट इज गिवन कैश। आता इकडे सेकंड दिलेला आहे कैश, दिलेला आहे कैश म्हणजे काय आपलं असेल, आणि कैश ला कोणत्याही प्रकारचे ऍडजस्टमेंट नाही, फक्त असेट मध्ये आपण काय घेणार कॅश। एंड अमाउंट इज गिवन 6000 आउटर कॉलम। आता आउटर कॉलम मध्ये काय लिहिलं, कारण की ऍडजस्टमेंट आहे का, नाही ऍडजस्टमेंट नसेल तर डायरेक्टली अमाउंट कुठे लिहायची, आउटर कॉलम ला। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक टू बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट का जो पहला लाइन रहता है वहां पे ही रिकॉर्ड करना है। ओपनिंग स्टॉक, अभी अमाउंट कहां पे रिकॉर्ड करोगे, इनर कॉलम या आउटर कॉलम? आउटर कॉलम, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं है। तो ओपनिंग स्टॉक 10,000। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट, अब ये डेबिट नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग जहां पे लिखा है ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस वो डेबिट के डेबिट में नहीं आएगी, क्रेडिट में नहीं। अरे सर मुझे ट्रायल बैलेंस ला जो डेबिट साइड का है ते ट्रेडिंग अकाउंट आणि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मध्ये देखील डेबिट साइड ला येणार, क्रेडिट ला येणार नाही। सेल्स रिटर्न सोडून तो परचेसेस लिखेंगे, लेकिन परचेस क्या है, रिटर्न भी है, तो किस तरह से लिखना है देखो, टू परचेसेस डेबिट, यहां पे डेबिट में लिखते समय टू लिखना है, क्रेडिट में लिखते समय बाय लिखना है, लेकिन बैलेंस शीट में यहां पे टू या बाय नहीं लिखना है, बैलेंस शीट मध्ये टू आणि बाय लिहायचं नाही। परचेसेस अमाउंट दिया है 8,000, उसको मैं इनर कॉलम में लिखूंगा क्योंकि मुझे परचेस रिटर्न क्या करना है, माइनस, यहां पे मैं लेस लिखूंगा, लेस परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न अमाउंट इज 3,000, परचेस रिटर्न का अमाउंट कितना है 3,000 अमाउंट है। ओके, सो 8,000 माइनस 3,000 टोटली 5,000, तो यहां पे आपका फाइनल परचेसेस आएगा 5,000। ओके, नेक्स्ट वेजेस,
क्रेडिट स्थान में लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन इसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया है, एडजस्टमेंट नंबर 4। सी व्हाट इज गिवन, आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 2000। ओके बघा इथे वेजेस किती सांगितले 6000, आणि काय सांगितले आउटस्टैंडिंग वेजेस रुपीज 2000, म्हणजे ऑलरेडी आपण 6000 पेड केले, पण अजून किती वेजेस पेड करायचे बाकी आहे 2000 बाकी आहे। ओके जो वेजेस पेड करना बाकी है उसे कहा जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो देखो किस तरह से लिखा जाएगा, वेजेस 6000 है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा टू वेजेस, इनर कॉलम में लिखा जाएगा 6000, इनर कॉलम में क्यों, क्योंकि वहां पे एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग को हम क्या करेंगे ऐड, और यहां पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, ऐड करके वहां पे सिर्फ क्या लिखना है आउटस्टैंडिंग। लायबिलिटी में लिखते समय यहाँ पे चार पांच लाइन छोड़ देना, क्योंकि कैपिटल आएगा, ड्रॉइंग आएगा, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस वो सब आएगा, तो यहाँ पे चार पांच लाइन छोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड अमाउंट कितना है 2000। तो अगर आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया जाता है तो जो भी एक्सपेंसेस आपको दिया है उसमें उसको पहले ऐड करो, और दूसरा इवेंट जाएगा लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग का ही दिला, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, असं काही दिलं तर इथे आधी काय करायचं, ऐड करायचं, त्या एक्सपेंसेस मध्ये ऐड करायचं, आणि दुसरा इवेंट कुठे द्यायचा, बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइड। वेजेस हो गया, नेक्स्ट इज द सैलरी, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, किसी भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में टू सैलरी एंड अमाउंट इज 12000 डायरेक्टली आउटर कॉलम, डायरेक्टली आउटर कॉलम। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड फिल्टरिंग, कोणत्याही प्रकारचे ऍडजस्टमेंट नाही, कुठे रिपोर्ट करायचे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट टू प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी अमाउंट इज 7000। नेक्स्ट इज रेंट, रेंट टू बी रेकॉर्डेड अंडर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, बट रिलेटेड टू रेंट, देखो रेंट बोला है 3000, एडजस्टमेंट नंबर 3 देखो क्या बोला है, प्रीपेड रेंट रुपीज 1000, प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस, हम लोगों ने टोटल 3000 रेंट पेड किया, ये अमाउंट इंडिकेट करती है कि एक्चुअल में 3000 पेड किए, लेकिन उसमें से 1000 है वो एडवांस है, म्हणजे एकूण आपण रेंट किती पेड केले 3000, परंतु त्यापैकी 1000 काय आहे ऍडव्हान्स, प्रीपेड, प्रीपेड मीन्स ऍडव्हान्स, म्हणजे ऍक्च्युअल मध्ये रेंट किती आहे 2000, म्हणजे एका वर्षाचं रेंट फक्त 2000 आहे, पण आपण पेड केले 3000, इसका मतलब 1000 हम लोगों ने ऍडव्हान्स ने पेड किया, उसको बोला जाता है प्रीपेड। तो इस ऍडजस्टमेंट को किस तरह से लिखना है, देखो रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे टू रेंट,
अमाउंट इज गिवन 3000, पहले 3000 हम इनर कॉलम में लिखेंगे और प्रीपेड आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं ऐड, प्रीपेड को क्या करना है माइनस, प्रीपेड लगाकर माइनस लेस लेस प्रीपेड, इतने फक्त करायचं प्रीपेड किती सांगितले प्रीपेड 1000 टोटल रेंट 3000 प्रीपेड इज गिवन 1000 सो एक्चुअल रेंट इज 2000 तो एक्चुअल रेंट का अमाउंट आएगा 2000 ओके। लेकिन हम लोगों ने पेड को 3000 किए है, 1000 एक्स्ट्रा जो भी आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो या एडवांस पेमेंट करते हो वो आपका असेट होता है। आपन जे काही एडवांस मध्ये पेड करतो ते आपल्या काय असतं असेट, मग हे 1000 आपण ऍडव्हान्स मध्ये पेड केले म्हणून जे प्रीपेड रेंट आहे ते कुठे जाणार आहे असेट मध्ये। तर यहां पे आएगा प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट 1000 ओके। आपको प्रीपेड में कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे कि प्रीपेड रेंट हो सकता है, प्रीपेड सैलरी हो सकता है, प्रीपेड इंश्योरेंस हो सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। अगर कुछ अगर आपको प्रीपेड इंश्योरेंस दिया सेम यहाँ पे लिखोगे इंश्योरेंस लेस क्या करोगे प्रीपेड और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा असेट में, अलग कर मुझे ट्रीटमेंट कैस प्रकार तुम्हारा तय किया है। नेक्स्ट इज गिवन कमीशन, कमीशन के लिए किसी भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पे लिखेंगे टू कमीशन एंड अमाउंट इज गिवन 1000। नेक्स्ट बैंक, बैंक असेट बैंक इंडिकेट बैंक बैलेंस 9000 गुडविल, गुडविल इज योर असेट नो एडजस्टमेंट, किसी भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिखोगे गुडविल 14000 आउटर कॉलम। नहीं डेटर, डेटर क्या है आपका असेट लेकिन उसके ऊपर एडजस्टमेंट बोला है एडजस्टमेंट नंबर 5। डेटर के ऊपर अगर एडजस्टमेंट दिया जाता है तो जो मैंने आपको फॉर्मेट बोला है एज इट इज लिख लेना है, अर्थात आणि डेटर वर तुम्हाला एडजस्टमेंट असते 11th मध्ये जरी 11th मध्ये समजा नाही दिली तरी तुम्हाला 12th मध्ये एडजस्टमेंट असणारच आहे। तो क्या करना है डेटर का पूरा फॉर्मेट एज इट इज लिख देना है जैसे मैंने आपको दिया था। तो क्या करोगे यहां पे लिखोगे डेटर्स लेस लेस लिखोगे न्यू बैड डेट, न्यू बैड डेट ओके और फिर से लेस करोगे न्यू आरडीडी ओके। देखो फॉर्मेट किस तरह से रहेगा डेटर लेस न्यू बैड डेट लेस न्यू आरडीडी, हा फॉर्मेट डेटर का लिहायचा। आता बघा आपण काय करत डेटर्स, डेटर्स अमाउंट इज गिवन 20000 तो मैं डेटर का यहां पे अमाउंट लिखा 20000 लेस क्या करना है न्यू बैड इन एडजस्टमेंट। तो देखो यहां पे 5 नंबर का एडजस्टमेंट बोला है डेटर का, क्या बोला है प्रोवाइड आरडीडी ऑन डेटर एट 5% पर एनम, आपको क्या बोला है प्रोवाइड आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, मतलब आरडीडी बोला है लेकिन न्यू बैड डेट नहीं बोला। जो जो डेटर सॉरी जो बैड डेट और जो आरडीडी एडजस्टमेंट में दिया जाता है उसे कहा जाता है न्यू, ट्रायल बैलेंस में बैड डेट और आरडीडी दिया गया उसे कहा जाएगा ओल्ड। तो यहां पे हमें ओल्ड चाहिए या न्यू चाहिए, हमें
लेकिन अगर हम एडजस्टमेंट देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे न्यू बैड डेट दिया नहीं, न्यू बैड डेट मुझे दिले क्या नहीं दिले, यानी आरटीडी दिले, न्यू आरटीडी दिले, बैड डेट नहीं। चलो अभी हम लोगों ने तो लिखा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे डैश 20,000 यहाँ पे माइनस करने के लिए कुछ नहीं, तो यहाँ पे टोटल बताओगे 20,000 लेस न्यू आरटीडी, आरटीडी कितना बोला है 5%। चलो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 20,000 इंटू 5/100, ये जो अमाउंट आया है उसके ऊपर 5%, 20,000 का 5% वो आएगा आपका 1,000। ओके, तो अभी हुआ 20,000 माइनस 1,000 टोटल बचेगा 19,000। अच्छा म्हणजे डेटर वर जर एडजस्टमेंट असेल आरटीडी किंवा बॅड डेट, मग कसं लिहायचं, डेटर लेस न्यू बॅड डेट लेस न्यू आरटीडी। अगर न्यू बॅड डेट नाही दिया तो डॅश कर दो, आरटीडी कॅल्क्युलेट करो, अगर सिर्फ बॅड डेट दिया है आरटीडी नहीं दिया तो आरटीडी को डॅश करो। लेकिन फॉर्मेट एज इट इज लिखोगे तो गलती होने के चांसेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे। ओके चलो नेक्स्ट क्या बोला है, बैड डेट, बैड डेट का भी मैंने कल फॉर्मेट बोला है आपको, वही फॉर्मेट एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं टू, क्योंकि अगर डेटर पे एडजस्टमेंट है तो वही एडजस्टमेंट इसको अप्लीकेबल होती है बैड डेट को, वही एडजस्टमेंट इसको अप्लीकेबल होगी बैड डेट को। अगर जर डेटर पर एडजस्टमेंट असेल तर जे ट्रायल बैलेंस मतलब बैड डेट आहे, ट्रायल बैलेंस मतलब बैड डेट म्हणजे ओल्ड बैड डेट, त्याला देखील तीच एडजस्टमेंट अप्लीकेबल आहे। पण बॅड डेट कुठे रेकॉर्ड करायचं असतं, आता हे जे बॅड डेट आहे हे ओल्ड आहे का न्यू आहे, हे बॅड डेट कोणता आहे, ओल्ड बॅड डेट। यहां पे मैंने कोई आरडीडी दिया है, आरडीडी दिया है ना, ये आरडीडी कौन सा है, ओल्ड आरडीडी। ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट दिया जाता है, ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी दिया जाता है उसे कहा जाता है ओल्ड। देखो यहां पे किस तरह से लिखना है, टू आरबीडीडी अकाउंट, टू आरबीडीडी अकाउंट रिजर्व फॉर बैड एंड आउटफुल डेट। यहां पे पहले लिखोगे ओल्ड बैड डेट एंड न्यू बैड डेट, टोटल हो जाएगा 2,000।
तो हमारा फाइनल बैटेन आ गया 2000। फाइनल कितना आ गया 2000। चलो बैटेन बन गया। नेक्स्ट का साइन क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर इज योर असेट। अन कोई प्रकार की एडजस्टमेंट नहीं है, मुझे डायरेक्टली अपन ने बोल करना फर्नीचर। एंड अमाउंट इज गिवन 6000। एंड लास्ट वन इज इंश्योरेंस एंड अमाउंट इज 3000। देयर इज नो एनी एडजस्टमेंट। सो रिकॉर्ड इंश्योरेंस एंड डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंश्योरेंस एंड अमाउंट इज 3000। अमाउंट इज तो देखो हमारा डेबिट साइड क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अभी हम कौन सा साइड लेंगे? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में पहले का दिया है तुम्हारा कैपिटल। कैपिटल इज योर लायबिलिटी। मुझे रिकॉर्ड करना अपन कैपिटल। कैपिटल नेहमी लायबिलिटी च्या पहिल्या लाइन वर रेकॉर्ड करायचं आणि कैपिटल ची जी काय अमाउंट आहे ती नेहमी इनर कॉलम मध्ये रेकॉर्ड करायची। ओके, कैपिटल हमेशा लायबिलिटी के पहिले लाइन पे आएगा और कैपिटल का अमाउंट हमेशा कहां पे रेकॉर्ड करोगे? इनर कॉलम। 37000। नेक्स्ट सेल्स। सेल्स टू बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। और हमें सेल्स रिटर्न नहीं दिया है तो डायरेक्टली हम सेल्स लिखेंगे 40000 आउटर कॉलम। परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है 3000, पहले से ही लिखा है, फिर से नहीं लिखोगे। परचेस रिटर्न ऑलरेडी आपन इथे परचेस मध्ये लिहिले आहे की नाही? माइनस केले, पुन्हा इथे लिहायचं नाही। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी क्रेडिट में है ना, तो यहाँ पे भी कहा जाएगा? क्रेडिट में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस क्रेडिट में है तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी कहा जाएगा? क्रेडिट में आएगा। इंटरेस्ट यहाँ से एक दो लाइन छोड़ देते हैं। इंटरेस्ट एंड अमाउंट इज 9000। नेक्स्ट क्रेडिटर। क्रेडिटर इज योर लायबिलिटी। ये लायबिलिटी है, यहां पर लिख देते क्रेडिटर एंड अमाउंट इज 20000। नेक्स्ट आरडीडी। यहाँ पे देखो आरडीडी 1000, हम लोगों ने यहाँ पे आरडीडी लिख दिया, फिर से लिखोगे नहीं। एंड नेक्स्ट बैंक लोन। बैंक लोन लायबिलिटी है बैंक लोन एंड अमाउंट इज 17000। तो ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम्स हमें दिए थे सभी आइटम्स हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में लिख दिए। सर्व रिकॉर्ड के लिए अपन बरोबर है। आता सर्व रिकॉर्ड केल्यानंतर एक एडजस्टमेंट आपली बाकी राहिले। एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट रुपीज 30000 ऑन 31st March 2020। म्हणजे आपल्याला सांगितलं की क्लोजिंग स्टॉक ची व्हॅल्यू किती आहे? 30000। क्लोजिंग स्टॉक दोन ठिकाणी रेकॉर्ड करायची, ऍडजस्टमेंट आहे म्हणून दोन ठिकाणी। पुढे रेकॉर्ड करणार ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज 30000। ओके, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड, बिकॉज स्टॉक इज युअर असेल। अभी नेक्स्ट ईयर में क्या किया जाएगा? एक तो क्लोजिंग स्टॉक बताया है 30000, उसको हम नेक्स्ट ईयर में क्या बताएंगे? ओपनिंग स्टॉक। तो वो जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेट में।
हा जो कोणीय स्टॉक आहे ना 30,000 तो नेक्स्ट इयर साठी काय असणार आहे ओपनिंग स्टॉक। देखो हम लोगों ने सभी एडजस्टमेंट कर दिए। एडजस्टमेंट फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक 30,000 दो वीक के कहाँ पे, एक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, दूसरा आएगा बैलेंस शीट के असेट में। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन काय करायचं, ज्या असेट साठी डेप्रिसिएशन सांगितलेलं आहे त्या असेट मधून डेप्रिसिएशन मायनस करायचं पहिला इफेक्ट, एंड सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन द स्टेटमेंट। प्रीपेड, प्रीपेड को क्या करना है, प्रीपेड रेंट बोला है तो प्रीपेड को क्या करना है आपको माइनस करना है। आप देखो तो जिस एक्सपेंसेस को प्रीपेड बोला है उस एक्सपेंसेस में से उसको माइनस करोगे, और प्रीपेड मतलब पेमी एडवांस वो हमारा असेट है तो सेकंड इफेक्ट जाएगा आपका असेट में। यहाँ पे देखो प्रीपेड रेंट 1,000। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, कितना देना बाकी है यहाँ पे 2,000। तो आउटस्टैंडिंग को क्या करोगे ऐड करोगे, देखो वेजेस लिखा है तो जो भी खर्चा दिया जाएगा उसमें आउटस्टैंडिंग को ऐड करोगे, और आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लायबिलिटी है तो सेकंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी। और आरडीडी, डेटर के लिए फॉर्मेट लिखोगे, डेटर लेस न्यू बैड डेट लेस न्यू आरडीडी, और उसका दूसरा इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, आरबीडी अकाउंट ओल्ड बैड डेट एड न्यू बैड डेट एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडी। अशा प्रकारे तुम्हाला आरबीडी ची एडजस्टमेंट लिहायची। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर दिए, प्रायर बैलेंस के सारे आइटम्स भी रिकॉर्ड कर दिए। अभी हम क्या करेंगे टोटल, आता टोटल करायचे, आता टोटल बघा, टोटल नेहमी रफ मध्ये करून बघायची, म्हणजे डेबिट ची पण टोटल जास्त असू शकते किंवा क्रेडिट ची पण। बघा यहाँ पे मुझे लगता है डेबिट क्रेडिट का टोटल 70,000 है, और डेबिट का टोटल 80 डेबिट का टोटल कम है। ओके तो क्रेडिट का टोटल यहाँ पे मुझे लगता है 70,000 है क्रेडिट का, और डेबिट का टोटल है 23,000। बता क्रेडिट की टोटल क्या है 70 और डेबिट की टोटल क्या है 23,000, कौन सी टोटल ज्यादा है क्रेडिट, तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, जो टोटल ज्यादा है दोनों साइड में लिखोगे तो 70,000 हम दोनों बाजू में लिखेंगे 70,000। जस आपण मेजर मध्ये करत होतो तसं। ओके आता काय करायचं, हे जे 70,000 आहे त्यामधून जी छोटी टोटल काय करायची माइनस, ही 70,000 में से 23,000 क्या करेंगे माइनस, 70 से अगर 23,000 आप माइनस करते हो तो अमाउंट बचेगा 47,000। कितना बचेगा 47,000, तो वहां पे आएगा 47,000 अमाउंट बच गया। उस बचे हुए अमाउंट को आप क्या बोलोगे टू ग्रॉस। अब ये प्रॉफिट है या लॉस है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस। देखो हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा मतलब इनकम ज्यादा, और डेबिट कम मतलब एक्सपेंसेस कम, बरोबर की नाही, क्रेडिट जास्त आहे की नाही म्हणजे आपली इनकम जास्त आहे आणि एक्सपेन्सेस काय आहे कमी आहे, म्हणजे 47,000 आपल्याला काय झालेलं आहे प्रॉफिट। तो इसको नाम दोगे आप ग्रॉस प्रॉफिट, इसको क्या नाम दोगे ग्रॉस प्रॉफिट, ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे, तो इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैं ट्रांसफर कर देता हूँ यहाँ पे अपोजिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट, अपोजिट साइड का काय करायचं ट्रान्सफर। आणि म्हणून मी काय सांगतो की जेव्हा आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट लिहितो तेव्हा इथे एक दोन लाईन सोडून द्यायच्या प्रत्येक वेळी। आगे का समझे
क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट भी आ सकता है या ग्रॉस लॉस भी आ सकता है। तो हमेशा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ लिखते हैं यहाँ पे पहले जो दो लाइन है वो छोड़ देना है। तो यही ग्रॉस प्रॉफिट मैं प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने ट्रांसफर किया अमाउंट है 47,000। डेबिट का टोटल आया 29,000। देखो क्रेडिट का टोटल 56,000 और डेबिट का टोटल आया है 29,000। आता परत क्रेडिट की टोटल जास्त है बरोबर किती आहे 56,000 म्हणजे 56,000 दोन्ही बाजूला रेकॉर्ड करायचं दोनों साइडला 56,000 रेकॉर्ड करायचं। अभी से 56,000 में से 29,000 क्या करोगे माइनस 56,000 में से 29,000 क्या करोगे माइनस माइनस करो 56,000 माइनस 29,000 27,000 कितना डिफरेंस मिलेगा 27,000। तो हमारा जो डेबिट साइड है वो 27,000 से कम है। आपने डेबिट साइड की कितनी कमी है 27,000 ही कमी है। आता है आपका अपना नेट प्रॉफिट का नेट लॉस आता आपको इनकम पर जास्त है कि नहीं क्रेडिट सेट जास्त मतलब इनकम जास्त ओके हमारा क्रेडिट सेट ज्यादा मतलब इनकम ज्यादा एक्सपेंसेस कम मतलब फिर से क्या हुआ प्रॉफिट। इसका नाम हो गए टू नेट प्रॉफिट अमाउंट इज 27,000 दोनों का टोटल करेंगे 37,000 प्लस 27,000 टोटल इज 64,000। अभी बैलेंस शीट का टोटल करते हैं देखते हैं दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है या नहीं 64,000 66,000 86,000 96,000 एंड 103,000 मेरे हिसाब से लायबिलिटी का टोटल आया है 103,000। देखते हैं असेट का भी टोटल वही आता है क्या 18,000 19,000 25,000 एंड 34,000 44,000 48,000 दोनों का टोटल आता है 103,000। देखो तो यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट क्या हो गया टैली हो गया। बैलेंस शीट टैली हुआ इसका मतलब हमारा फाइनल अकाउंट सही है। बैलेंस शीट टैली झालं म्हणजे आपण ज्या एंट्री केलेल्या आहेत त्या काय आहे बरोबर आहे म्हणून बैलेंस शीट काय झाली तुमची टैली झाली। देखो इस तरह से हमारा बैलेंस शीट टैली होना चाहिए मतलब लायबिलिटी और असेट दोनों का टोटल सेम। बैलेंस शीट में कभी भी बैलेंस नहीं रहता बैलेंस शीट मध्ये कभी बैलेंस राहत नाही। आणि समजा कधी बैलेंस राहिला तर आपण ते सस्पेंस अकाउंटला ट्रांसफर करतो
कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बैलेंस कम रहेगा, मतलब ज्यादातर बैलेंस नहीं रहेगा, तब प्रॉब्लम आता है। अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है, एग्जाम में ऐसा हो सकता है कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है, तो आप कितनी भी कोशिश करो आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। जब ट्रायल बैलेंस टैली करत असेल, तुमची प्रिंटिंग मिस्टेक असेल, तर तुमचं बैलेंस शीट कधीच टैली होणार नाही। तुम्हाला काय करायचं, टैली नाही जेवढं दिलंय तसं लिहून ठेवायचं, तुम्हाला पूर्ण मार्क मिळणार। ओके, तो इस तरह से हमारा लायबिलिटी और असेट मतलब बैलेंस शीट टैली हुआ, और इस तरह से हमें फाइनल अकाउंट डील करना है।